पंकज भाई, रोहित या विराट फेवरेट कौन? कभी ऐसा हुआ है पंकज भाई कि क्रिकेट की वजह से आपके पेरेंट्स ने आपको पनिश किया हो? का फेवरेट बॉलर से फेवरेट ऑलराउंडर कौन है? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, बराबर वालों से नमस्कार। रजत पांडे फ्रॉम ऊंचाहार। मित्रों, आज मैं मिलने आया हूँ सलोन विधानसभा रायबरेली जिले की एक शानदार हस्ती से, पंकज गांव वाला यूट्यूब चैनल के ऑनर पंकज तिवारी जी से। पंकज तिवारी जी का क्रिकेट के प्रति बहुत ज्यादा लगाव रहा है, दूर दराज तक ये क्रिकेट देखने गए हैं, लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बहुत बड़े फैन हैं। आज मैं इनसे मिलने आया हूँ, आइए चलिए इनसे क्रिकेट के बारे में कुछ बात करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ही थोड़ा सा अजीब से है पंकज भाई, नमस्कार आपको। नमस्कार रजत भाई, आप रजत भाई के बारे में बता देना चाहता हूँ। रजत भाई क्रिकेट के बहुत बड़े कमेंटेटर हैं, लोकल टूर्नामेंट जितना होता है वहाँ पर टूर्नामेंट के लिए जाते हैं, और सबसे बड़ी अच्छा लगा कि कोई बहुत सारे लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन कोई क्रिकेट से जुड़ा हुआ आदमी मेरे पास आता है मिलने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये ऊंचाहार से आए जो कि जिला रायबरेली में पड़ता है, हमारे जिले के रहने वाले हैं, जो है कि हमारा घर इनके घर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर डिस्टेंस है। रजत जी आज मेरे पास मिलने के लिए आए भाई, बहुत अच्छा लगा। जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपकी पॉपुलैरिटी शोहरत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आइए बातचीत का सिलसिला हम प्रारंभ करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप खुद भी एक क्रिकेटर हैं, क्रिकेट आपको बहुत अच्छा लगता है, कभी ऐसा हुआ है पंकज भाई कि क्रिकेट की वजह से आपके पेरेंट्स ने आपको पनिश किया हो? यार क्रिकेट की वजह से हर कोई मार खा, देखो हर सबके पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं खेल भी बहुत जरूरी है। आप सुबह पढ़ रहे हैं, शाम को पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप शाम के समय 2 घंटे खेलने के लिए निकालिए, व्यायाम करने के लिए निकालिए, अगर आप उसे खेल खेलने के लिए जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ क्रिकेट के लिए मैंने 1-2 बार नहीं, कम से कम 400-500 बार में मार खाया हूँ। जी बिल्कुल, 1-2 बार। मेरे पिताजी मैं जाता था, मतलब बाहर मैच खेलने के लिए जाता था, मैं दूर दूर जाता था, जैसे 5 किलोमीटर दूर मैच खेलने के लिए जाता था, 6 किलोमीटर दूर मैच खेलने के लिए जाता था, तो लोग कंप्लेन कर देते थे कि आपका बच्चा स्कूल से मैच खेलने के लिए चला गया है। तो हमारे पिताजी साइकिल लेकर हमको वहीं से जाते थे, वहीं से दौड़ा के घर तक लेके जाते थे, मैं भाग के आता था। कई बार मार भी खाया हूँ, सब चीज़ें होती रहती हैं, हर सबके लाइफ में होता रहता है। क्रिकेट के लिए भाई तो जो पागलपन है, क्योंकि भाई क्या होता है कि स्कूल टाइम में टूर्नामेंट भी होता रहता था, उसी टाइम में मैं स्कूल छोड़ के मैं मैच देखने के लिए चला जाता था। पंकज भाई के दिमाग में कासे कबूतर नहीं, कासे क्रिकेट चलता है। और एक और क्वेश्चन है मेरा पंकज भाई से, आज के टाइम में हॉटस्टार या फिर जियो सिनेमा पे आप जब क्रिकेट कमेंट्री देखते हैं तो कई कमेंटेटर हैं, गपशप करते रहते हैं, बट मैं आपको रेडियो की दुनिया में ले चलूंगा। रेडियो की दुनिया बहुत अजीब दुनिया है, वो दुनिया थी जहां पर लोग रेडियो अपने कान से चिपका कर दूर दराज तक जाया करते थे। आपका फेवरेट क्रिकेट कमेंटेटर रेडियो पर कौन है? विनीत गर्ग मेरा फेवरेट है। देखो कमेंट्री तो आज समय में आज भी हो रही है, खेल खेलते रहते हैं, लोग देखते रहते हैं, पूरा मैच चलता रहता है, उसमें बताते रहते हैं, उसमें आपस में बातचीतें होती रहती हैं। जी लेकिन जो रेडियो कमेंट्री होती थी वो एक्चुअल में कमेंट्री थी, उसमें जिस तरह से बॉलर बॉलिंग करता था, राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने है बैट्समैन पूरा नाम, जैसे मतलब रेडियो कमेंट्री जो होती है, देखो टीवी में आप जो कमेंट्री देखते हैं, रेडियो कमेंट्री से पूरा एकदम डिफरेंट है, पूरा डिफरेंट है। उसमें कहते हैं कि हाँ बॉलर हाथ लेके दौड़ रहा है, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, गेंद को मार दिया, गेंद गई बाउंड्री लाइन के पास, वहाँ पर फील्डर ने पकड़ कर थ्रो किया, वैसे नहीं होता है उसमें। नॉर्मल देखते हो आप टीवी कमेंट्री में, जियो सिनेमा भी देखता हूँ, हॉटस्टार भी देखता हूँ, सब पे कमेंट्री आती है, लेकिन पहले का जो रेडियो कमेंट्री था जी वो एकदम मस्त बेहतरीन, मुझे जब विनीत गर्ग कमेंट्री करते थे बहुत अच्छा लगता था। क्रिकेट कमेंट्री के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कमेंटेटर वो जो डिस्क्राइब करे, कमेंट्री करे तो अंधे से अंधा व्यक्ति भी, या फिर यूं कहें कि जिसको दिखाई भी ना देता हो, जिसको क्रिकेट का ज्ञान हो वो समझ जाए। कमेंट्री ऐसी कीजिए कि अंधा व्यक्ति भी समझ में आ जाए। तो इतनी सूक्ष्मता से, इतनी बारीकी से विनीत गर्ग जी डिस्क्राइब करते थे। विनीत गर्ग, मुनीस जॉली, संजय बनर्जी, ये लोग बहुत ही अच्छा, इनका वो जो कहने का स्टाइल था, ये गई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, ये शानदार तरीके से कहते थे। पंकज भाई आपका मुझे वो ट्यून लगता था, ये बीएसएनएल चौका का मैट्रिक इंडिया, वो ट्यून तो मुझे बहुत ज्यादा 2003 वर्ल्ड कप के बाद हमें लगता है वो आया था। उसके बाद वो हमें 2003 या 2007, हाँ उसी के बाद आया था, क्योंकि मैं बचपन में छोटा था, सुनता रहता था जब चौका लगता था, तो उसके बाद जब चौका लगने के बाद आता था ये बीएसएनएल चौका का मैट्रिक इंडिया, ये बहुत अच्छा लगता था। पंकज भाई रोहित या विराट फेवरेट कौन? ये तो मेरे लिए आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है, दोनों लिए मेरे तो समझ लीजिए कि मैं दोनों को बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। आपने ऐसा बोल दिया कि हाँ दो तराजू है, दोनों का पलड़ा बराबर है, मैं यही नहीं कह सकता कोई अप है कोई डाउन है। रोहित शर्मा ऐसा है कप्तान है कि जो अगर भारत ने जीता है वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, तो उसमें रोहित शर्मा का कप्तान ही, देखो अभी भी ICC की तरफ से टीम जारी की गई है, 11 प्लेयर जारी किए गए हैं, जिसमें
20 टीमें इस बार पार्टिसिपेट की थी, जिसमें कप्तानी में रोहित शर्मा को आईसीसी ने टॉप पर रखा है। बिल्कुल, किंग कोहली किस तरह से बैट्समैन है आपको पता है जी, बिल्कुल। जहाँ पर क्रिकेट नहीं खेला जाता है वहाँ पर लोग ही विराट कोहली को जानते हैं, उनके खेल की वजह से, उनके क्लास की वजह से। विराट कोहली, किंग कोहली कोई दूसरा नहीं हो सकता, हिटमैन कोई दूसरा नहीं हो सकता, दोनों की जगह अलग अलग है भाई। मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता हूँ कौन बड़ा है कौन ज्यादा, दोनों का स्थान अपने अपने जगह है। आपका दोनों मेरे लिए भगवान है जी, बिल्कुल। आपका फेवरेट बॉलर? फेवरेट बॉलर तो यार मेरे, तो आप एक तरह से देखा जाए वैसे विश्व के तो फेवरेट बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, लेकिन मेरे फेवरेट बॉलर हैं मोहम्मद शमी जी। बिल्कुल, मोहम्मद शमी को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। जिस तरह से उस बंदे ने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, जो स्ट्रगल फेस किया है, जिस तरह से उसके लाइफ में डाउनफॉल आए हैं, उसके बाद जिस तरह से वो संघर्ष किया है, मोहम्मद शमी को बहुत लाइक करता हूँ। बाकी लोग तो जसप्रीत बुमराह को ज़्यादा फैन है, पूरी मैं भी उनका फैन हुआ ऐसे लिटरली ऐसा नहीं है, लेकिन माई फेवरेट मोहम्मद शमी। आप भविष्य में भारतीय टीम का ओपनर किसे देखते हैं? यार ओपनर तो मैं ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा बहुत देखते, जिस तरह से जाता है राइट और लेफ्ट का काम्बो भी रहने वाला है। सनराइजर हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा जिस तरह से ओपनिंग करने के लिए आते थे, चेन्नई सुपर किंग के लिए ऋतुराज गायकवाड़, सबसे बेस्ट जोड़ी मुझे दिख रही है जी। बिल्कुल, आप ये जो युवा देख रहे हैं, हम लोग भी युवा ही हैं, जो युवा भी आपको देख रहे हैं। तो आज तो मान लीजिए कि आज है 5 जुलाई, हमारा आपका बात हो रहा है, कल से मैच होने जा रहा है, शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है, एक नई टीम गई है। अब जो भी वीडियो देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि ये मैच जो आएगा ना, जो जियो सिनेमा पे आएगा ना, हॉट स्टार पे आएगा, ये मैच आने वाला है सोनी लीव पर। और शाम को 4 बजे सारे मैच रहेंगे, 4 बजे टॉस हो जाएगा, 4:30 बजे से मैच खेला जाएगा। तो जो भाई जियो सिनेमा हॉट स्टार के भरोसे हैं, खोजना मत, जियो सिनेमा को हटाकर, हटाना मतलब पड़े रहने दें, लेकिन सोनी लाइव ऐप डाउनलोड कर लेना, सोनी लीव पर पूरा मैच आने वाला है। तो पंकज भाई, सवालों का सिलसिला जारी है। पंकज भाई, कोई ऐसा मैच बताइए जहां पे रोमांच आपकी निगाह में रोमांच एकदम चरम पर रहा हो, दिल की धड़कनें दोगुनी हो गई हो, मतलब वो मैच कहा जाए जहां कमजोर दिल वाले ना देखे, अदरवाइज उनको हार्ट अटैक हो सकता है, कोई ऐसा? यार मैं एक मैच देख रहा था, शाम का टाइम था, लगभग 7:30 से 8 बजे थे, और मैच वो लगभग 2 ओवर का खेल बाकी रह गया था, इंडिया को 12 गेंद में 34 रन बनाना था, वो इंदिथास ट्रॉफी चल रहा था, मैच हो रहा था भारत और बांग्लादेश के बीच में, और उसमें ऐसा था कि दिनेश कार्तिक 7वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए थे। बिल्कुल, और ये था दिनेश कार्तिक उसमें काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी थे कि हाँ मुझको लास्ट में क्यों भेजा गया है। उसने 19वें ओवर में रबेल के 22 रन मारे थे, उसके बाद आखिरी ओवर में शंकर भी आउट हो गया था, उसके बाद लास्ट गेंद में 5 रन बनाना था, कवर के ऊपर से सौम्य सरकार को शानदार छक्का मार दिया था, वो जो 12 गेंद में 34 रन जो बनाने थे, वो मैच मुझे बहुत यादगार है। और दिनेश कार्तिक कहीं ना कहीं फिनिशर के रूप में हमेशा जाने जाएंगे, दिनेश कार्तिक हमारे फेवरेट हैं, हमारे आइडियल भी हैं दिनेश कार्तिक। और जो इसके बाद सब आरसीबी फैन के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, दिनेश कार्तिक को आरसीबी का बैटिंग कोच भी बना दिया गया जी। बिल्कुल, मुझे आज भी याद है, बांग्लादेश ने इसके पहले, ये जो मैच बता रहे हैं इसके पहले बांग्लादेश ने नागिन डांस किया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। आप किसको देखते हैं एज एन ऑलराउंडर, आपका सबसे फेवरेट ऑलराउंडर कौन है प्रेजेंट टाइम में? यार मेरा फेवरेट ऑलराउंडर है मार्कस स्टोनिस, वैसे इस समय T20 में मार्कस ने कस के मारा, लेकिन इस समय जो रैंकिंग ICC ने जारी की, हार्दिक पांड्या विश्व में नंबर 1 ऑलराउंडर है, कहीं ना कहीं वो हमारे फेवरेट है हार्दिक पांड्या, लेकिन मार्कस स्टोनिस माई फेवरेट, वो दूसरे नंबर पर, इस समय 3रे नंबर पर चले गए हैं, एक समय ऐसा था कि वर्ल्ड कप के समय वो नंबर 1 ऑलराउंडर हो गए थे, लेकिन मार्कस स्टोनिस इस करंट टाइम में देख रहा हूँ तो मार्कस स्टोनिस नंबर 1 मेरे हिसाब से है। ट्रोलर्स ने मैंने देखा है, क्योंकि जो ICC की जो 11 टीम बनाई है ICC ने प्ले इन 11 में, उसमें ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या के साथ मार्कस स्टोनिस भी हैं, और उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का देखो भाई, मैं सबसे बड़ा फैन तो भारत का हूँ, उसके बाद IPL की बात आती है तो मैं लखनऊ सुपर जायंट को सपोर्ट करता हूँ, मार्कस स्टोनिस और निकोलस पूरन जी, KL राहुल जी, बिल्कुल, और मयंक यादव, 4 ऐसे प्लेयर हैं जो लखनऊ में मेगा एक्शन होने जा रहा है 2025 में, वो बने रहने चाहिए। तो मार्कस स्टोनिस, जब मैं चेन्नई सुपर किंग का मैच था जब 211 रन बनाना था, मार्कस स्टोनिस अकेले जंपर, मतलब कि जिस तरह से मैच निकाला था, वो कई मैच निकाले हैं इसके पहले भी, अगर सुपर वो खेला था, प्ले ऑफ खेला था, तो वो मार्कस स्टोनिस की ही देन थी। मार्कस स्टोनिस माई बेस्ट ऑलराउंडर जी। बिल्कुल, ट्रोलर्स ने हार्दिक पांड्या का मीम बना दिया, मेहनत करके बंदे ने पूरा ड्रीम बना दिया। हार्दिक पांड्या यार जो लास्ट ओवर था, देखो मिलर के लिए लास्ट ओवर में 16 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो जो मारा था फुलटास गेंद फेंका था हार्दिक पांड्या ने, हार्दिक पांड्या बॉलिंग करने से पहले खुद कांप रहे थे, हड़बड़ा रहे थे, जब उनको रोहित शर्मा ने बॉल दिया था हार्दिक पांड्या कांप रहे थे खुद, क्योंकि डेविड मिलर बहुत बड़ा बैट्समैन है, क्योंकि वही जो सूर्य कुमार यादव ने कैच लिया है
वो कैच भाई नहीं था, वो कैच जिस तरह से बहुत सारे लोग उसमें भी चल रहा है पाकिस्तानी मीडिया में। जो एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो उसमें कैच लिया था उसमें भी विवाद चल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि हाँ वो लाइन में छू गया, वो एक सफेद पट्टी दिख रही। तो उसमें होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक स्क्रीज में मैच हुआ एक स्क्रीज में हुआ, तो वो क्या होता है जो बाउंड्री होती है जो विज्ञापन वाला होता है रोल होता है उसको आगे पीछे सरका देते हैं। तो बारबाडोस में कई सारे मैच हुए थे, तो उसको पहले बाउंड्री थी आगे दूसरी वाली क्रीज में था, पीछे वाली क्रीज में खेला गया था उसको खिसका दिया गया। तो लोग बोल रहे हैं सूर्य कुमार यादव पहले से उसको खींच दिए थे, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया कुछ लोग ऐसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो भाई छक्का था ऐसा कुछ है नहीं। जी हाँ बिल्कुल, जलने वालों को और जलाएंगे। हार्दिक पांड्या अपने खेल के स्तर को लगातार बढ़ाएंगे। सूर्या दादा, सूर्या को नमस्कार। सूर्य कुमार यादव यार बहुत बड़ा खिलाड़ी है जी, वो बहुत बड़ा बैट्स। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे, आपने जो भी हाल ही में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 खत्म हुआ है, इसमें आपको वो कुछ चुनिंदा मैचेस जहां पे मतलब रोमांच एकदम चरम पर था, कुछ ऐसे मैचेस? यार मुझे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में इस बार तो बहुत सारे, लगभग 55 मैच हुए थे, लगभग अप्रॉक्सीमेट 20 टीमें थी, लेकिन तीन मैच मुझे बहुत अच्छा लगा था। पहला मैच मुझे लगा था वो जो भारत पाकिस्तान का था जी, जब भारत ने 119 रन बनाया था, तो इसमें भारत के लगभग 8% जीतने के चांसेस थे, पाकिस्तान के 92%। भारत ने जबड़े से मतलब मुंह से मैच खींचा था, रिजवान को जो आउट किया था, जसप्रीत बुमराह जो बोल्ड मारा था जी बिल्कुल, वहीं से पूरा मैच पलट गया था, जो एक नामुमकिन सा लग रहा था। एक दूसरा मैच, दूसरा मैच मुझे लगा था भाई सबसे बेस्ट, मुझे चार वैसे एक्चुअली मुझे चार मैच अच्छे लगे थे। दूसरा मुझे लगा था अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच जी, जब अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, मुझे ये नहीं लग रहा था कि अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा लेगा, ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी टीम। और उसके बाद जो जिस तरह का इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, सेम एकदम काफी इस तरह का मैच हुआ था बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान का। और तीसरा पंकज भाई, तीसरा ये फाइनल वाला मैच हुआ था जब 30 गेंद में 30 रन बनाने को हो गया था। एक समय ऐसा लग रहा था भाई जब अक्षर पटेल बॉलिंग करने के लिए आए थे, क्लासन ने एक ओवर में 24 रन मार दिया अक्षर पटेल को, रन गेंद बराबर आ गया, 30 पे 30 आ गया, बैटिंग कर रहे थे मिलर और क्लासन। जब 15 ओवर खत्म हुआ था तो बहुत सारे लोग केवल मोस्ट ऑफ द पीपल केवल इतना ही सोच रहे थे कि भाई साहब अब टीवी बंद कर दो, मैच बंद कर दो, आज चलिए सो जाते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने तो मोबाइल पटक दिया, मुझे तो मतलब कि मैंने तो व्हाट्सएप पर स्टूडियो पोस्ट कर दिया था कि हाँ इंडिया मैच हार गई, क्योंकि 30 पे 30 बनाना, क्लासन इतना अच्छा बैट्समैन खड़ा हो और सामने उसके बाद मिलर बैटिंग कर रहा हो, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या आए थे, क्लासन को आउट किया था। पंकज भाई, भारत में आप फ्यूचर में किसको कोच देखते हैं? कोच यार देखो, अभी तो जो जिम्बाब्वे गया वहाँ पर तो कोच तो वैसे नॉर्मल बना दिया गया, इसके बाद दौरा होने जा रहा है श्रीलंका जाएगी टीम, इसके बाद बांग्लादेश जाएगी, तो हमें लगता है कि गौतम गंभीर भारत के अगले कोच होने वाले हैं। देखो इसमें कई सारी चीज़ें हैं, गौतम गंभीर का एग्रीमेंट कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ है, अब उसमें यह होता है कि अगर आप कोलकाता नाइट राइडर्स कोच हैं तो BCCI के कोच आप नहीं रह सकते हैं, और शाहरुख खान ने गौतम गंभीर को 10 साल के लिए एग्रीमेंट दे दिया था कि हाँ आप मेरी टीम को 10 साल संभाल लीजिए। इसके पहले गौतम गंभीर लखनऊ सुपर जायंट के कोच थे, लेकिन वो लेकिन भाई किंग खान अगर ऑफर दिए तो वो लखनऊ सुपर जायंट को छोड़कर चले गए कोलकाता नाइट राइडर्स, वहाँ पर देखो किस तरह से फाइनल जितवाया भी, लेकिन अगर वहाँ से अगर BCCI का कोच गौतम गंभीर को बनना होगा तो वहाँ से रिजाइन देना पड़ेगा KKR को, और हमें लगता है कि भारत के पास इससे अच्छा ऑप्शन है नहीं गौतम गंभीर के पास था, तो हमें लगता है कि हाँ 100 में 90% ये चाहे, क्योंकि इंटरव्यू गौतम गंभीर ने दिया है, कुछ प्लेयर और कुछ ऐसे कोचेज हैं वो और भी दिए हैं, लेकिन उसमें से गौतम गंभीर ने भी अपना इंटरव्यू दिया है, तो हमें लगता है कि हाँ कि 100% सिलेक्शन गौतम गंभीर जी बिल्कुल। दोस्तों बातों का सिलसिला बस यहीं पर थमता हुआ, क्रिकेट के बारे में और भी बातचीत पंकज भाई से अगले पार्ट्स में होती रहेंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पंकज भाई से नमस्कार। नमस्कार अजय भाई, और आप मेरे इंस्टाग्राम से लगातार जुड़ी रहिए, मेरे इंस्टाग्राम है पंकज गांव वाला, उसमें डेली आपको वीडियो देता रहता हूँ, और पंकज गांव वाला है इसमें रजत भाई हमसे मिलने के लिए 30 या 35 कितनी दूर है यहाँ से घर आपको? लगभग 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर है, इतनी दूर से मिलने के लिए आए, काफ़ी अच्छा लगा, और मिलने के लिए भाई बहुत सारे लोग आते हैं मुझे अच्छा लगता है, लेकिन स्पेशली कोई क्रिकेट का फैन मेरे पास आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिस फील्ड से मैं जुड़ा हूँ जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उसमें कोई अगर मुझसे मिलता है मिलने के लिए आता है, कोई मुझे बुलाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।